आज हम बताएंगे आपको टैली में अपनी डेटा की पाथ कैसे बनाएंगे, क्रिएट कंपनी कैसे बनाएंगे, नई यूजर सिक्योरिटी, नई कंपनी जब आपने बनाई है उस पर यूजर सिक्योरिटी कैसे एनेबल्ड करेंगे और नई कंपनी में अपना जीएसटी नंबर कैसे डालेंगे। तो हम चलते हैं टैली पर। यह हमारा टैली प्राइम है, इसमें ये ब्लू कलर की ऊपर पट्टी है, यहाँ से आपको डेटा का फोल्डर दिखाई दे रहा है, ये डेटा का आइकन दिखाई दे रहा है, आप जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बैकअप एंड रिस्टोर, इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई हुई है। इसके बाद हम जाएंगे डेटा पाथ पे, यहाँ आपको ये डेटा की पाथ डी ड्राइव दिखा रहा है, ये सी भी दिखा सकता है, कुछ भी दिखाएगा। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर स्पेसिफाई पाथ कर सकते हैं। जैसे मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे डी के अंदर यूट्यूब के नाम से एक टैली का डेटा का फोल्डर बनाना है। इसके बाद ये आपसे बैकअप पाथ पूछता है, जहाँ पे आपका जब आप बैकअप लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है बैकअप वाली बात, तो वो बैकअप लेना है कहाँ लेना है, तो उसकी पाथ भी आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो भी ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से हमने कंट्रोल ए कर दिया और कंट्रोल ए करके हमने ये हमारा खुल गया है कंपनी क्रिएट करने वाला ऑप्शन। तो यहाँ से अब हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम बनाता हूँ यूनिक कंप्यूटर्स। यहाँ एड्रेस डालना है आपको, आपके बिल पे जो प्रिंट करना है आपको वो पूरा एड्रेस आपने यहाँ डालना है। इसके बाद स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो आपने डालना है। यहाँ आपका पिन कोड, क्योंकि ईवे बिल में पिन कोड बहुत कंपलसरी है तो वो आपने डालना है। इसके बाद ये मोबाइल नंबर, आपको मालूम ही है हम टैली भी सेल करते हैं, तो अगर आपको टैली की रिक्वायरमेंट्स हो, टैली परचेज करना हो अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी दुकान के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है, आप मेल पे भी अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, प्रपोजल भेज सकते हैं। यहाँ पर हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। ये अब पूछता है आपसे फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होना है, तो हमेशा याद रखिएगा फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो आपने 1 अप्रैल ही डालना है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, कई बार ऐसा होता है मेरी कंपनी अक्टूबर में रजिस्टर्ड हुई है तो मैं अक्टूबर से बुक बिगनिंग कर सकता हूँ, लेकिन आप ये नहीं कीजिए, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ है वहीं से आप बुक बिगनिंग कीजिए। और यहाँ पर अगर आपको जैसे यूजर सिक्योरिटी एनेबल करनी है तो ये ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। अगर ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर पे नहीं आ रहा है, आपकी टैली में नहीं आ रहा है, तो आपने यहाँ आपके राइट हैंड साइड में बिल्कुल इसमें देखेंगे फुटर में, तो यहाँ पे आपका यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको आपने यस करना है। यहाँ मैंने इसको यस कर दिया और इसको यूजर नेम और पासवर्ड बना दिया। ये हमेशा याद रखिएगा बहुत सिंपल यूजर नेम पासवर्ड रखिएगा, जिससे कि आपको भूलने की दिक्कत ना हो और आपका डेटा कभी बंद ना हो। इसमें आपका टैली ऑडिट फीचर है, इसको आप एनेबल कर दीजिए। इसके बारे में अभी हम नहीं बता रहे हैं, ये हमारी एडवांस उस ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैंने मेरी कंपनी खुल गई है, इसको मैंने एडमिन किया, एडमिन किया और ये मेरा खुल गया। इसमें आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले मेंटेन अकाउंट्स है, आप जाहिर सी बात है अगर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो इसको यस रखना है आपने। एनेबल बिल वाइज एंट्री, यस मुझे सारे बिल डालने हैं। उसके बाद वो पूछता है आपसे मेंटेन इन्वेंट्री भी करेंगे, यस मैं इन्वेंट्री भी करूंगा। वो पूछता है आप अकाउंट विद इन्वेंट्री करेंगे, यस मुझे अकाउंट विद इन्वेंट्री चाहिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस मुझे ये भी करना है और मैंने इसको यस किया। तो यहाँ ये आपसे आपका सबसे पहले पूछता है स्टेट कि आपका स्टेट क्या है, सेकंड नंबर पे आपसे पूछता है आप कंपोजिशन में है या रेगुलर में है, फिर उसके बाद आपसे पूछता है कि आप कब से एप्लीकेबल कर रहे हैं, जीएसटी कब से एप्लीकेबल है आपकी कंपनी पर। तो जाहिर सी बात है जब से मैंने कंपनी रजिस्टर्ड की है 2017 के बाद, तो मेरा तब से ही मेरा जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। इसके बाद आपसे ये पूछते हैं आप जीएसटीआर कब भरते हैं, मंथली भरते हैं या क्वार्टरली भरते हैं, आप इसको भी एनेबल कर देंगे। बाकी की ये जो चीजें हैं एडिशनल फीचर्स, ये भी हम एडवांस ट्रेनिंग्स में अलग अलग वीडियोस में बता चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको आप देख सकते हैं, बिकॉज ये हमारा बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट है, तो इसको हम ज्यादा लेंदी भी नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें हम ये सारी चीजें नहीं बता रहे हैं। इसके बाद भी जो जरूरी चीजें हैं वो मैं सारी आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा ईवे बिल एप्लीकेबल होता है, ईवे बिल एप्लीकेबल भी कब से एप्लीकेबल हुआ, जब से मेरी कंपनी खुली है तब से मेरा ईवे बिल एप्लीकेबल हुआ। देयर शॉल्ड लिमिट इंक्लूड्स,
जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने बताया है कि 50,000 पे मुझे ई वे बिल बनाना है, तो मैंने बता दिया कि जब मेरा बिल 50,000 के पास जाए तो मेरा ई वे बिल बन जाए। इस लिमिट को आप चेंज कर सकते हैं, 20,000, 10,000, 5,000, जितना आप चाहें उतना बना सकते हैं। ओके, तो ये एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, यस, उस पर भी मेरा 50,000 ही है। जब भी कभी मेरा बिल बाहर भी जाए तो मेरा 50,000 पे ऑटोमेटिक ई वे बिल बने। ये प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस, इस ऑप्शन को मैं यस कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई हुई है, जहाँ ईवे बिल से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है, उसमें ये सारी चीजें यस हैं कि ये क्यों हमने किया है और कैसे किया है। ई इनवॉइस एप्लीकेबल, आपको मालूम होगा 1 अप्रैल से आपका जितने भी 50 करोड़ और 20 करोड़ वाले व्यापारी हैं उनको भी ई इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। इसको यस करेंगे तो ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, फिलहाल हम यहाँ पे यस करते हैं और इसको कंट्रोल ए करते हैं। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है और आई थिंक कि हमने जितना वादा किया था आपसे वो सब हमने पूरा किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।